गाजीपुर में गंगा में आई विकराल बाढ़ से भारी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ की वजह से करंडा क्षेत्र के तुलसीपुर, शेरपुर, रफीपुर सहित कई इलाके बाढ़ के पानी से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। स्थिति यह है कि इसकी वजह से पीड़ितों को करंडा क्षेत्र के दीनापुर में स्थित बाढ़ शिविर में शरण लेना पड़ा है। शनिवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अन्य अधिकारियों के साथ शिविर में पहुंचे, बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का वितरण करते हुए आगे भी शासन की तरफ से मदद का भरोसा दिलाया। बाढ़ शिविर में पहुंचे जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही पीड़ितों में प्रशासन से राहत सामग्री में 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो दाल, 1 किलो गुड़, 1 रिफाइंड, आधा किलो नमक समेत अन्य जरूरी सामान प्रत्येक पीड़ित परिवार को बांटा। इसके साथ ही पीड़ितों में तिरपाल का भी वितरण किया गया। जिलाधिकारी ने पीड़ितों से वार्ता करते हुए कहा कि शासन बाढ़ को लेकर गंभीर है, किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। शासन की तरफ से आवश्यकता अनुसार हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी पीड़ित को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। राहत शिविर में रह रहे 550 लोगों को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अपने सामने भोजन करवाया। इस अवसर पर सदर SDM अनिरुद्ध प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि फिलहाल गंगा के जल स्तर में कमी आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी गाजीपुर जिले के कई गांव पूरी तरह से बाढ़ के चपेट में हैं, जिसके कारण उन्हें राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। मालूम हो कि फिलहाल गंगा 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रही है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।